ब्रेकअप ब्रेकअप का रीजन था। हेलो एवरीवन, सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहूंगा जिसका नाम है 1xBet। सो 1xBet के ऑफिशियल पार्टनर है पीएसजी बार्सिलोना और ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी। ये एप्लीकेशन के थ्रू बैट करते हो तो आपके बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कैश प्राइज जीतने का, जैसे की BMW कार, आईफोन, लैपटॉप, ऐसी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें। और ये एप्लीकेशन पे आप लाइव मैच के स्कोर देख सकते हो और प्रिडिक्ट करके बैट कर सकते हो, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम का ज्यादा स्कोर होगा, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, आप ये सब प्रिडिक्ट करके बैट कर सकते हो। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज है ये एप्लीकेशन के अंदर और इसके साथ बहुत सारी वैरायटीज है ये गेम के अंदर। और ये एप्लीकेशन पे मेरा कूपन कोड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 26,000 तक का वेलकम बोनस मिलेगा फर्स्ट डिपोजिट। तो गाइज, आप अपनी विनिंग्स को बहुत इजीली विड्रॉल कर सकते हो, डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो और पेटीएम में भी ले सकते हो, और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप अपनी विनिंग्स को विड्रॉल कर सकते हो। गाइज, ये एप्लीकेशन मैं पिछले बहुत टाइम से यूज करता हूं, तो आप भी यूज कर सकते हो और बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। तो भूलना मत, मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको बहुत एक्साइटिंग प्राइजें मिलेगी। और ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट में पिन किया है, जाओ फटाफट खेलो और बहुत सारे पैसे जीतो और वीडियो कंटिन्यू करो। बाय बाय। ब्रेकअप का रीजन था यार, क्यों इतना सारा डिस्कशन यार, जो हो गया जो होना था वो हो गया। सो लेट्स गो एनीवेज, आज हम स्टार्ट करते हैं Q&A राउंड। तो यस, यहाँ पे पहला ही सवाल है कि आप अभी रिलेशनशिप में हो या नहीं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। हाँ जी, मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था बस वैसा ही है। सो उसको मैं अभी रिवील करना नहीं चाहूंगा, मैं वीडियो के एंड में रिवील करूंगा। भाई कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सिंगल ही हूँ अभी, नो गर्लफ्रेंड, नो कुछ, बस काम करना है, मेहनत करनी है, मस्ती धमाल और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज देखा आफ्टर ब्रेकअप। यस, आफ्टर ब्रेकअप बहुत सारे पॉजिटिव चेंज देखे, लाइक मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया। पहले तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोने मत दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो हर जगह। और दूसरी चीज यह है कि सब चीज है ना दिल से नहीं सोचने की, दिमाग से सोचना स्टार्ट करो। और ये लोगों पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर लेने का, मैं बहुत जल्दी किसी को भी ट्रस्ट कर लेता हूँ, तो इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करने का, हर चीजें समझ लो क्योंकि लोग बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है, हालात बदलती है, सब कुछ बदलता है, रंग बदलते हैं, रुख बदलते हैं, तो जज्बात बदलते हैं और बहुत कुछ बदल जाता है। बस अभी दूसरे सारे पॉजिटिव चेंज कर रहा हूँ, हो रहा है, धीरे धीरे दिखेगा आपको वो भी। क्या आपकी इससे पहले भी कोई एक्स थी? नहीं, मेरी पहले कोई एक्स नहीं थी। कहते हैं ना, पहला प्यार किसी को नसीब नहीं होता है, बस वैसे ही पहला ही प्यार था, ठीक है। और एक्स पहली मतलब, हाँ, इलेवेंथ में था, सब लोग की ऐसे गर्लफ्रेंड कैसे एक दूसरे को परेशान करते हैं, बस वैसे ही था, मेरे को नाम उसके नाम से चिढ़ा देते, बस और कुछ नहीं था। अभी एक्स है रिलेशन में था ना, मतलब तभी मैं बोलता था कि यार एक्स नहीं होनी चाहिए, यार मेरी कोई एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, अभी है एक्स। ये सवाल बहुत ही मस्त है, आप इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर लिया? के
सो सॉरी गाइस, ये आंसर की फुटेज मैं आप लोग को नहीं दिखा पाया क्योंकि ये आंसर करते करते मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था और वैसी फुटेज मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। और मूव ऑन की सबसे बड़ी वजह है मेरे मॉम डैड, मेरे दोस्त और मेरे क्लोज वन जितने भी है, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मेरी एक स्माइल के लिए। ये लोग ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहे हैं अभी भी। सो मैं बहुत ज्यादा फुटेजेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि नजर लग जाएगी। मोहन, मोहन के बारे में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा जो बहुत पहले से सब लोग बोलते हैं, जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं। ठीक है, तो मैं मतलब ये चीज मैं मेरे अंदर ही रखना चाहता था यार, वो कि मैंने जो फील किया है वो मेरे को पता है और वो ऐसे ढिंडोरा पिटने की कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। सो चलो यार, ये टॉपिक पे मैं बात ही नहीं करना चाहता यार। जो अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकता, जो अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकता, वो आने वाले पल को अपना नहीं सकता। वाह, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इतने अच्छे क्यों हो? बहुत अच्छा रहना भी बहुत अच्छा नहीं है। इधर छू गया। हाँ, बहुत अच्छा रहना भी बहुत अच्छा नहीं है। फैमिली ने कैसी वैल्यू सिखाई है, ये फैमिली वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली ने आपको कैसी वैल्यू सिखाई है, मेरी फैमिली ने कैसी वैल्यू मुझे सिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ब्रेकअप का क्वेश्चन नहीं करूंगी। आप इतना ग्रोइंग कैसे कर रहे हो? काम, मेहनत और आप सब लोग का सपोर्ट, आप सब लोग का प्यार, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआरके की वजह से क्या हुआ? एसआरके यार, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग जाते हैं हर रोज बाहर घूमने के लिए, उनको मिलने के लिए मैं अभी जस्ट गया था मन्नत में। हाँ, शाहरुख खान सर, आप जिसकी बात कर रहे हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या उनकी लाइफस्टाइल है यार, क्या पर्सनालिटी है भाई, क्या दिखते है वो यार, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, समझ रहे हो, उनका दिल बहुत सॉफ्ट है क्योंकि वो बहुत केयर करते हैं और वो सबको बहुत पसंद है, समझ रहे हो आप। वेरी केयरिंग पर्सन यार, शाहरुख खान सर, दिल से रिस्पेक्ट, आई लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बस आपकी दादी जी से मिलना है, उनको देख के मेरी दादी की याद आती है, बहुत क्यूट है आपकी दादी जी। बहुत क्यूट है, बहुत ही मस्त है, डेफिनेटली आप आना, मुझे डीएम कर देना, मैं जरूर मेरी दादी को मिलाऊंगा क्योंकि आप अपनी दादी को याद करते हो मेरी दादी को देख के, तो श्योर आप मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको डेफिनेटली मिलाऊंगा मेरी दादी से। कांता बेबी, अनविल मुझे मरने से पहले आप दोनों को साथ देखना है, मिसिंग यू अनविल। सॉरी, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बट इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। हैव यू एवर सीन अ घोस्ट, घोस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविटी? हाँ देखी है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी देखी है और भूत वगैरह नहीं देखा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी लाइफ में एक बार देखी थी। हम सब लोग गए थे बाहर, तब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी और देखी थी, बहुत खतरनाक होती है दोस्त यार, ऐसे फट जाती है जब वहाँ पे कुछ होता है ना, कल ऐसा ही रखता है, क्या करे उसको ले जाने के लिए यार, चल इसको फोन लगाओ, इसको लो, ऐसा हो रहा है, क्या करूँ। वो बोलेंगे ना आपको ये करना पड़ेगा, हाँ ओके हम ये कर देंगे, सब कुछ आप लोग कर लोगे। पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा फट जाती है, फट जाती है एकदम खत्म। लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए और एक बार ऐसे देखना चाहिए। उर्विल, आप अभी दूसरी बार किसी को प्यार करोगे? हाँ करूँगा ना, क्यों नहीं, प्यार करूँगा मैं, ऐसा थोड़ी ना होता है हर बार अपने साथ जो हुआ वो ही होता है, प्यार करूँगा क्यों नहीं करूँगा, मम्मी से, पापा से, मेरे दोस्तों से,
डेफिनेटली जो आएगी अभी लाइफ, अभी तो कुछ सोचा नहीं है मैंने, बट लाइफ में जो कुछ भी होगा मेरे साथ, जो कुछ भी होगा करूंगा ना प्यार, क्यों नहीं करूंगा, वो भी एक लाइफ का क्या बोलते हैं यार, वो भी एक लाइफ का पार्ट है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं डेफिनेटली करूंगा प्यार। लास्ट कितने साल से आप केएफ में जुड़े हो? आई थिंक मुझे 3-4 साल हो गए मैंने केएफ ज्वाइन किया है। वापस एंगेज कब करोगे? लाइफ में एक बार फेल होने से रुकते नहीं, क्योंकि हम गुजराती है, हम भी हार नहीं मानते। हाँ जी, हार नहीं मानते, बट अभी टाइम है वो सारी चीज के लिए, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। आर यू हैप्पी इन योर लाइफ राइट नाउ? बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। यस, खुश हूँ ना, क्यों नहीं। लाइफ में कुछ चीजें होने से, हाँ, कुछ टाइम के लिए सब चीजें अपने को लगती है कि हाँ ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। मैं मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा और मैं खुश रहूंगा, क्योंकि एक ही लाइफ है भाई, कब तक ऐसे ही सारा टाइम वेस्ट करते रहोगे, ये करोगे वो करोगे, उससे अच्छा अपनी लाइफ में ग्रो करो, पैसे कमाओ, मम्मी पापा को खुश रखो, दोस्तों को खुश रखो, दोस्तों के साथ घूमो। पहले से लाइफ अभी थोड़ी चेंज है, तो अपनी लाइफ से कभी भी नाराज नहीं होने का, खुश ही रहने का भाई, बहुत टेंशन वेंशन लेने का नहीं। आई रिक्वेस्ट यू मेक वन डांस वीडियो विद सनी भावसार। हाँ, हम लोग ने डांस का वीडियो बनाया था ना, हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस भी की थी, पर वो अपलोड नहीं हुआ। देखो ये वीडियो। बिलीव ऑन कर्मा, जिसने जैसा किया है उसके साथ वैसा ही होगा, और वैसे भी यू डिजर्व बेटर, सो कीप स्माइलिंग, आई रियली लाइक यू एंड सपोर्ट यू। ओह, थैंक यू सो मच। और मैं किसी के लिए ऐसा बुरा सोचता नहीं हूँ कि इसके साथ ऐसा होना चाहिए, ये वो, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहो, आगे बढ़ो, ये मेरी दिल से दुआ है सबके लिए। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू, आई लव यू सो मच। आप शेयर कर ही दो उर्विल भाई यार, दर्द बताने से कम होता है? नहीं, दर्द बताने से और ज्यादा बढ़ता है। अपना दर्द अपने पास रखो, किसी को शेयर मत करो, क्या फील किया है वो आप ही फील करोगे। मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत टाइम से हम लोग को सपोर्ट किया है, पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा आप लोग ने सपोर्ट किया है, सो इसीलिए मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं नहीं करने वाला था कोई भी चीज शेयर, मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोग के साथ, आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। और अभी से मैं नए सब कुछ वीडियोस कंटेंट बना रहा हूँ, तो उससे पहले मैं एक आपका ओपिनियन जान लेता हूँ, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और मैंने लाइफ में एक चीज अभी सीख ली है कि दर्द बांटने से ज्यादा होता है, खुशियाँ बांटने से कम हो जाती है। तो दर्द किसी को शेयर मत करो, है बहुत सारे, सबको खुश रखो, हैप्पीनेस इज एवरीथिंग भाई। ये सवाल है, आर यू मैरिड? हाँ, मेरी शादी हो गई है। मैंने किसी को बताया नहीं है, ये सिर्फ किसी किसी लोग को ही पता है। यस, अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है मेरी शादी, अपने आप से, अपने खुद से। केवी रीते आटला खुश रहो छो, दिलमा बो दर्द भर्यू छे? मैं हर बार सबको खुशी आई बांटता हूँ, मेरा दर्द किसी को बताता नहीं हूँ। मेरे क्लोज वन है थोड़े बहुत दोस्त, तो उन लोग को पता होगा, या फिर जो आगे वाला फेस था उसमें किसी किसी लोग को पता था। और मैं मेरी लाइफ में कभी भी, मतलब पहले मैं ना, मतलब दिमाग से मैं कभी नहीं सोचता हूँ, मैं दिल से सोचता था, पर अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया है दिमाग से सोचने का। सो दैट्स व्हाई बस ऐसे खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं सबको खुशी आई बांटता हूँ। जो होना था वो होके ही रहेगा, उसको आप जितना भी ऐसे पकड़ के रखोगे ना, हो ही जाएगा। मैंने आप सब लोग के लिए बहुत सारी ट्राई भी की थी, बहुत बहुत कुछ किया था, बट फिर
एक चीज पे आके रुक गया। भाई आप अकेले बहुत खुश रहते हो, ऐसे ही रहो, जो गया सो गया, लिमिट लाइफ हैपन्स। यस, अकेली जिंदगी सुखी जिंदगी, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, वीडियो बनाओ, और तो क्या है जिंदगी में, बस प्यार आएगा तब प्यार भी कर लेंगे, पर धोखा नहीं खाएंगे, अभी धोखा नहीं खाएंगे। आपकी कौन सी, आपने कौन से स्टैंडर्ड में गर्लफ्रेंड बनाई थी? सो ये स्टोरी बहुत मस्त है। देखो ये है मेरी स्कूल का मामला। जब मैं स्कूल में था 11th स्टैंडर्ड में, और फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया था, सेकंड सेमेस्टर की बात है, तो सेकंड सेमेस्टर में मेरे सारे दोस्तों का फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब एक दूसरों की गर्लफ्रेंड ये वो, सिर्फ मैं ही सिंगल था, मतलब हमारा जो ग्रुप था उसमें मैं सिंगल था। एक दूसरी लड़की थी वो मुझे ऐसे पसंद थी, अब ऐसा नहीं कि हाँ इसके साथ मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं बनानी थी, ठीक है, बट वो नाम से चिढ़ाते थे ना, तो वैसे मुझे बहुत चिढ़ाते थे। और मुझे तो सही है, वो लड़की भी जहाँ जहाँ जाती है ना तो वहाँ पे उसको मेरे नाम से चिढ़ाते थे। बस ये मेरी स्टोरी थी कुछ। फिर मेन वाला प्यार मुझे हुआ था कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, और मैं कॉलेज भी करता था और मैं दूसरी जगह जॉब भी करने जाता था, जो मैं एनुअल फंक्शन में डांस सिखाने जाता था ना, बस वहां से हमारी लव स्टोरी कुछ स्टार्ट हुई थी। और वो 5-5.5 साल के बाद वो लव स्टोरी का एंड आया। आप रेगुलर वीडियोस और ब्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड करते हो? यस, इसका सवाल एक ही है कि मैं मेंटली भी बहुत सर्वाइव कर रहा हूँ और दिल से भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा हूँ। एक्चुअली दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, उसके लिए मेरे रेगुलरली वीडियोस और ये सब नहीं आता, बट अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी कंटिन्यू आएगा, बस आप लोग सपोर्ट करना, मैं अच्छे वाले कंटेंट डालूंगा, अच्छे वाले जो प्रॉपर। और बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत रिसेंटली मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए हैं, सो आप लोगों को बहुत पसंद आए वो सारे प्रोजेक्ट, सो उसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ब्रेकअप कैसे हुआ भाई, नए सवाल कहाँ पर है? आप इतने प्यारे कैसे हो, इसका कोई राज? आपका सपोर्ट, आपका प्यार। इंसान चुप रहता है जब दिल में दर्द भरा हो, हर जगह प्यार बांटता फिरता रहता है जब उसका दिल टूटा हो। आज मेरी बातें उसी को समझ में आएगी जिसने कभी जिंदगी में प्यार किया। आप इतने क्यूट क्यों हो, आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे है रुलवा, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, आप एक बार वो गाना गाओ। मेरा फेवरेट सॉन्ग है पिया ओरे पिया, और उसकी फेवरेट लाइन आया है इंदुरियों नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया, हो चुपके निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया, मैं वाली जवा सांसों की हो या बेकसूर रे, सौ सौ तारों से मिलकी दम बरसा है मुझ पे उसका नूर, पिया रे पिया। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट फूड, ऐसे मेरे को ऐसा मेरे को पर्सनली ऐसा कोई फेवरेट फूड नहीं है, हाँ बट एक चीज है वो जिसको पापड़ी चाट बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, दिल्ली चाट जैसा ही होता है, वो पापड़ी चाट रहता है, दही के साथ बनाते हैं, वो मेरे को बहुत पसंद है और मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ वो। आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? देखो सूरत में मेरी 2-3 फेवरेट प्लेस है, जहाँ पर वो सिर्फ मेरी प्लेस है, वहाँ पे जाके मैं बैठता हूँ, मेरा दिमाग वहाँ पे जाके थोड़ा शांत रहता है। कभी कभार तो मैं वहाँ पे वो जगह पे
मैं लिटरली शाम को 7 बजे बैठता था और दूसरे दिन सुबह हो जाती ना तब मेरे को पता चलता था कि भाई इतना टाइम हो गया है अभी घर जाना है। मैं मॉर्निंग में दूसरे दिन मॉर्निंग में वो जगह से घर आता था। तो वो दो तीन प्लेस है मेरी फेवरेट। बट वैसे है स्विट्जरलैंड, हिमाचल भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर इंडिया में स्पेसिफिक बताऊँ तो हिमाचल मुझे ऐसे अभी अभी गया हूँ बट मुझे हिमाचल बहुत पसंद है। वहाँ पे अलग ही वाइब है। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऑलवेज यू सेक्रीफाइस योर सेल्फ रिस्पेक्ट? कभी कभार हर्ट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा बट मैं बोलता नहीं हूँ, किसी को जताता नहीं हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ से फर्क पड़ा, बस वो चीज़ से थोड़ा दूर हो जाता। और कुछ नहीं, बी स्ट्रॉन्ग ब्रो। यस आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। या आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे। हाँ लगते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस्ट फ्रेंड का सीन क्या है? सो देखो गाइस, बेस्ट फ्रेंड का सीन मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। सो मेरा तो ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मैं जो रिलेशन में जाता हूँ वो मेरे लिए बेस्ट ही होता है। मैं किसी को ऐसे नंबर वाइज नहीं रखता हूँ, सबको एक जैसा ही रखता हूँ। तो मैंने कुछ 2-3 शब्द लिखे हैं बेस्ट फ्रेंड के लिए। बेस्ट फ्रेंड मतलब कभी लगता है जैसे मलाई में रबड़ी है, दिखाता ऐसे जैसे रीढ़ की हड्डी हो, भरोसा ऐसा दिलाता है जैसे आपका वो चड्डी बड्डी हो, फिर आए गर्लफ्रेंड के साथ तकरार तभी पता चलता है यही साला कबाब में हड्डी। Do you still love her? Do you still miss her? No. So finally, last question पे जाते हुए, breakup का reason क्या था और breakup क्यों हुआ और breakup सच में हो गया है या prank कर रहे हो? Yes. Breakup का reason था, बता दूं? यस, ब्रेकअप हो गया है, कोई प्रैंक नहीं है। बट ब्रेकअप का रीज़न, बस जो होना था वो हो गया। और ब्रेकअप शब्द मेरे लिए बहुत नया है क्योंकि पहली बार हुआ है। सो एक्चुअली मैं ये रिलेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ। सो गाइज, आप लोग ने इतना सारा सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने हमारे 0 सब्सक्राइबर से 100K तक हमारे साथ में थे, सो थैंक यू सो मच। और इसके लिए कोई हेट नहीं है, कोई नफरत नहीं है, बट आप भी क्या रीज़न जान के और ये सब करके क्या कुछ नहीं होने वाला। उससे अच्छा कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, तो वो जो पर्सन है उसको भी रिस्पेक्ट दो, उसको भी वैल्यू दो और उसको भी सपोर्ट करो। और मैं भी अभी कंटेंट डालने वाला हूँ, मुझे भी सपोर्ट करना। सो मेरे पास किसी के लिए हेट करने के लिए जगह नहीं है। और रीज़न जो होना था वो हो गया, यहाँ तक था जर्नी, अभी यहाँ से लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। किसी के जाने से कुछ नहीं बदलता, कोई ज़िंदगी रुक नहीं जाती और कुछ नहीं होता। तो बस, और मैं ये रिलेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए रीज़न और ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ। तो हाँ, हो गया है मेरा ब्रेकअप, हो गया था, अभी सब कुछ नया है। बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। अभी बजे है मॉर्निंग के 5:30 और ये वीडियो अपलोड करने के एक दिन पहले मैं खुद सैर कर रहा हूँ आप लोग के साथ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो, ये वीडियो में मैंने सिर्फ 10% दिखाया, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं है। और पर्सनली मैं वीडियो एडिट करते करते मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू एडिट कर रहा था, एडिट में उतना कुछ नहीं है बट मैं बैठ नहीं पा रहा था एडिट करने। सो बहुत सारी चीज़ मैंने निकाल दी है वीडियो में से, ज़रूरत पड़ने पर वो सारी चीज़ भी आपके सामने लाऊंगा। बट यार,
वो सब करने का मूड नहीं है, मतलब मेरा मन नहीं करता वो सब करने का, क्योंकि हम क्यों दूसरे लोग जैसा हम क्यों करें, ठीक है? सो आई रिस्पेक्ट, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अगले वाले रिलेशन की, वो पर्सन की, और रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट रहेगी, कोई नफरत नहीं है, कोई हेट नहीं है। सो गाइज, आप उन्हें भी सपोर्ट कीजिए, और बस कुछ नहीं, ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, बट बस ऐसे ही आप जल्दी जल्दी मेरे वीडियोस आएंगे अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी, जैसे पहले कंटेंट आते थे एवरी वीक एक वीडियो आ जाता था, बस ऐसे ही आएंगे डेफिनेटली। बस थोड़ा सा टाइम है, बस इतना हो चुका है, आगे भी सब कुछ हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम है, जल्दी 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 अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, और जो सो बाय, मिलते हैं एक जल्दी नए वीडियो के साथ, बाय बाय बाय।